ईयर 1916 में वॉल्ड एंडरसन नाम के कुक थे जो रोड पर हॉकर्स द्वारा बनाए गए हैमबर्गर से बड़े ही नाखुश थे क्योंकि ये हैमबर्गर्स ओवरकुक एंड टेस्टलेस हुआ करते थे और इस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी की तरह देखकर इन्होंने एक शू रिपेयर करने का स्टैंड खरीद लिया और वहां पर स्पेशली वर्कर अफोर्ड कर सके उस प्राइस में मतलब 5 सेंट्स में बर्गर बेचना स्टार्ट किया। ये बर्गर बाकी हॉकर्स के कंपैरिजन में बड़े ही फ्रेश इवनली कुक एंड डिलीशियस थे क्योंकि इनकी मीट की पैटी थिन और स्क्वायर शेप की थी। देखते ही देखते एंडरसन किंग ऑफ हैमबर्गर के नाम से पहचाने जाने लगे। एंडरसन को यह बिजनेस एक्सपांड करने के लिए एक पैसे वाले पार्टनर की जरूरत थी और फिर उनकी मुलाकात हुई ईडब्ल्यू बिली इनग्राम से जो कि एक रियल एस्टेट एंड इंश्योरेंस एडवाइजर थे। इन्होंने हैमबर्गर के इस बिजनेस को व्हाइट कैसल का नाम दिया और फिर धीरे धीरे हैमबर्गर जैसे फास्ट फूड रेस्टोरेंट की चेन एक्सपैंड होने की शुरुआत हुई।